हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसईबी हेल्प पे। आज हम दसम वर्ग के दूसरे अंग्रेजी के पुस्तक के लेसन 5 का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून। सन एंड मून कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है कैथरीन मैंसफील्ड। कैथरीन मैंसफील्ड पूर्णतः रूप से क्या हैं? ये जो है 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है स्टोरी राइटर, मतलब कहानी की लेखिका हैं। मतलब कि सिर्फ इस कहानी की नहीं, बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, Why did the mother not allow her sister to her children to join the party? मदर ने अपने बच्चों को पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया, पार्टी में सम्मिलित होने की अनुमति क्यों नहीं दी? तो उत्तर है, द पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर एडल्ट्स। वो पार्टी जो है केवल बड़े लोगों के लिए थी, बच्चों के लिए नहीं थी। जैसा कि आपने कहानी में भी देखा था कि वहाँ पर जो है लोग तरह तरह की चीज़ें खा पी रहे थे, अलग अलग तरह से इंजॉय कर रहे थे, तो बच्चों के लिए वो पार्टी बनी ही नहीं थी, इसीलिए बच्चों को उसमें जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगला प्रश्न है, द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वॉज द डैश। सबसे ज़्यादा पसंदीदा फूड आइटम जो वहाँ पार्टी में रखा गया था वो क्या था? और ये 2018 के एनुअल में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है आइस पुडिंग। आइस का वो जो घर बना हुआ था आपको याद होगा, जिसका कि छत पिंक कलर का था, ग्रीन कलर की खिड़कियाँ और ब्राउन कलर का दरवाज़ा था उसका, जिसमें बादाम एक हैंडल के रूप में लगा हुआ था, है ना? तो आइस पुडिंग जो है ये उसका एक फैंसी आइटम था। फिर है, द प्रिपरेशन फॉर द पार्टी टू बी हेल्ड एट द हाउस ऑफ सन एंड मून बिगन इन द, मतलब वो जो पार्टी होने वाली थी सन और मून के घर में, उसकी तैयारी कब शुरू हुई? तो ये हुई आफ्टरनून, दोपहर के समय में। ठीक है, दोपहर के समय में आपने कहानी में स्टार्टिंग में ये देखा था कि लिखा था इन आफ्टरनून गोल्डन चेयर्स आने लगे, फूल के पॉट्स आने लगे थे, है ना? छठा क्वेश्चन है, सन एंड मून वेयर, सन और मून क्या थे? तो ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन थे। सन और मून भाई बहन थे। अगला प्रश्न है, कैथरीन मैंसफील्ड वॉज बॉर्न इन, कैथरीन मैंसफील्ड का जो है वो जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 1888 ईस्वी में। कब है? 1888 ईस्वी। फिर है, कैथरीन मैंसफील्ड डाइड इन, कैथरीन मैंसफील्ड की जो लेखिका हैं वो, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी। फिर है, डैश इज़ ए सीरियस एंड क्वाइट चाइल्ड। कौन सा बच्चा जो है बहुत ही सीरियस और शांत रहने वाला बच्चा था? तो वो था सन। इस कहानी में जो बच्चा था वो है सन। अगला है कि डैश इज़ ए चीयरफुल चाइल्ड हु लाइक्स अटेंशन। डैश एक बहुत ही हंसमुख बच्ची है जो लोगों के आकर्षण को पसंद करती है, लोग उसे देखते हैं, उसे ध्यान देते हैं तो उसे अच्छा लगता है, तो वो थी मून। ठीक है, फिर है, द पार्टी वॉज टू बी हेल्ड इन द डैश। पार्टी कब शुरू होने वाली थी? तो वो शाम के समय होने वाली थी, इवनिंग। फिर है, चिल्ड्रन वेयर नॉट अलाउड टू डैश। चिल्ड्रन को किस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया था? तो उत्तर है अटेंड द पार्टी, पार्टी में सम्मिलित होने के लिए उसे अलाउ नहीं किया गया था बच्चों को। ठीक है, अगला है, एक्सेप्ट हुम एवरीवन वाज वेरी हैप्पी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द पार्टी। किसके अलावा सभी पार्टी की तैयारियों को लेकर बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे? तो वो था सन। सन के अलावा सभी जो है पार्टी को लेकर के उत्साहित थे, सन उतना उत्साहित नहीं था। अगला प्रश्न है, देयर वॉज ओनली वन मैन सन सन रियली डैश। एक ही आदमी था जिसे सन ने डैश किया, असली में डैश किया, क्या किया? पसंद किया। उस पार्टी में एक ही व्यक्ति था जिसे सन ने पसंद किया था। वो व्यक्ति के बारे में आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं, उस वो एक नाटे कद का, ग्रे बालों वाला, ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी ग्रे मूछें थी, वही व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द डैश। सन और मून सीढ़ी से नीचे उतर कर गए, हाथों में हाथ पकड़े हुए, वो किन से मिलने जा रहे थे? तो वो मिलने जा रहे थे गेस्ट से, जो भी गेस्ट आए हुए थे पार्टी में उनसे मिलने के लिए वो बच्चे जा रहे थे। अगला प्रश्न है,
Sun was very dazed to see how all the pretty things had been destroyed. Sun जो है वो बहुत डैस हुआ ये देख करके कि सारी अच्छी चीज़ें जो है किस प्रकार से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई. तो क्या हो गया, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ तबाह होती है तो क्या होता है देखकर, तो वो अपसेट हो गया. जैसे वो खाने पीने की चीज़ें, वो जो सुंदर सा घर बनाया गया था, वो जो डाइनिंग रूम था, वहाँ पूरा कचरा कचरा हो गया, गंदा हो गया था. तो इसको देखकर सन बहुत अपसेट हो गया था. अगला प्रश्न है, मून वेंट एंड मेड ए डैश ऑफ हरसेल्फ अगेन. मून चली गई और अपने आप को क्या बना लिया, तो वो अपने आप को आलसी बना ली. वो उनको उसको ज़्यादा मतलब नहीं था, वो छोटी बच्ची थी तो उसको कुछ मतलब नहीं था. वो अपने कमरे में गई और वापस आलसी की तरह बैठ गई. फिर है, दिस स्टोरी शोज द ऑथरेस डैश ऑफ सबटल फीलिंग एंड इमोशन स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन. ये कहानी लेखिका के किस तरह की फीलिंग को, बच्चों के प्रति वो कैसा फील करते हैं, उस किस फीलिंग को दिखा रहा है. तो ये है सेंसिटिव परसेप्शन. उत्तर का स्पेलिंग देखिएगा, SENSITIVE, सेंसिटिव परसेप्शन, PERCEPTION, परसेप्शन, सेंसिटिव परसेप्शन. मतलब कि बच्चों की सौम्यता भरे स्वभाव को ध्यान से वो देखती हैं, उसे समझती हैं. इस कहानी में यही दिखाया गया. अगला है, द फ्लावर पॉट्स लुक्ड लाइक, फ्लावर पॉट जो थे, जो मंगाए जा रहे थे सजावट के लिए, वो किसके जैसे दिख रहे थे. तो मून को वो फ्लावर पॉट्स जो है हैट जैसे लग रहे थे, लोगों की टोपी जैसे लग रहे थे. मतलब जब वो लोग फ्लावर पॉट को अपने माथे पर ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टोपी पहनी हुई है और वो चल रहे हैं. Who did not know the difference between real things and not real things? किसे असली चीज़ें और नकली चीज़ों के बीच कोई फ़र्क समझ में नहीं आता था. तो वो थी मून, एक छोटी सी बच्ची थी वो, उसे असली और नकली चीज़ों के बीच का फ़र्क नहीं पता था. फिर है, द हैंडल ऑफ द लिटिल पिंक हाउस वॉज डैश. तो उस छोटे से पिंक कलर के जो घर था उसका हैंडल किस चीज़ का था, तो वो एक नट था, मतलब एक बादाम था. फिर है, टू सिल्वर लायंस विथ विंग्स हैड डैश ऑन देयर बैक. दो सिल्वर कलर के जो लायन थे उनके जो पंख भी निकले हुए थे, तो उस वहाँ पर उसके पीठ पर क्या रखा हुआ था, तो वो थे फ्रूट्स, फल रखे हुए थे उसके पीठ पर सजाए हुए ढंग से. फिर है, इन विच कॉस्ट्यूम सन वॉज ड्रेस्ड. सन को किस कॉस्ट्यूम में तैयार किया, किस वेशभूषा में तैयार किया गया, तो वो था रशियन कॉस्ट्यूम में. रशिया देश के जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में उसे तैयार किया गया था. फिर है, मून शूज वेयर डैश विथ बिग ब्लॉब्स ऑन देम. मून के जूते जो थे वो डैश थे और उनके ऊपर बड़ा सा गुलदस्ता टाइप का लगा हुआ था. तो वो कैसे थे, तो वाइट थे. मून के जूते वाइट कलर के थे और उनके ऊपर बड़ा सा गुलदस्ता टाइप लगा हुआ था. फिर है, डिड सन माइंड पीपल नॉट नोटिसिंग हिम. क्या सन को इससे फ़र्क पड़ता था कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो नहीं. इसका उत्तर है नहीं, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे नोटिस कर भी रहा है या नहीं. फिर है, डैश लाइक द लिटिल ग्रे मैन विथ लॉन्ग ग्रे विस्कर्स. डैश ने उस छोटे से ग्रे आदमी को पसंद किया जिसकी ग्रे कलर की मूछें थी. तो किसने पसंद किया था, तो इसका उत्तर है सन. फिर है, देयर वॉज इवन ए बॉटल लेइंग डाउन विथ डैश कमिंग आउट ऑफ इट. एक बॉटल था जो कि पड़ा हुआ था और उससे डैश बाहर निकल रहा था. तो स्टफ मतलब कि उसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ था, पेय पदार्थ जो कि बाहर बहकर निकल रहा था. तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही. आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं. कल के प्रश्न उत्तर को मैं आपको आपके सामने जो है पेश करूंगा, जिसमें कि सारे प्रश्न उत्तर, छोटे प्रश्न उत्तर और बड़े प्रश्न उत्तर भी होंगे. आज की वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसीलिए आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं जो कल आपके सामने पेश होंगे. तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी इसको लिख सकें. एंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने सुझाव को आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. धन्यवाद.